एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने चैप्टर 2 का पार्ट 1 देख लिया होगा, है ना। और जैसे कि आप सब जानते हैं, ये लेक्चर्स NIOS के बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में हैं, और ये है इकोनॉमिक्स। सो होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको पिछले चैप्टर्स में, लाइक चैप्टर 1 हमने किया है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी हमने कम्प्लीट कर लिया है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स, सो यू कैन ईजिली गेट इट, है ना। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारी वेबसाइट की, वेबसाइट पे जा कर के आप ईजिली, यू नो, ईजिली आप क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं और वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहती है तो कमेंट सेशन में बताइएगा, है ना। और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना अपने जिसको ज़रूरत है ना पढ़ने की, और जो नहीं पढ़ना चाहते फिर क्या ही बोले उनके बारे में, है ना। सो होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज आप अपने चैप्टर 2 को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। क्या हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो सकती है? तो इसी का आंसर ढूंढने निकलते हैं हम इस टॉपिक के अंदर। चलिए पढ़ते हैं, डू ऑल आर वांट्स गेट सेटिस्फाइड? क्या लगता है आपको, आपकी सारे वांट सेटिस्फाइड होते हैं? तो इसका आंसर है अ बिग नो। नो, एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर टेक इट्स प्लेस। आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है तो आपकी दूसरी वांट जग जाती है, है ना। तो आपकी ऐसी क्या होता है, आपकी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आई कैन टेक अ एग्जांपल, लाइक इफ़ अ गर्ल, आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ गर्ल हु वॉन्ट्स टू परचेज अ गाउन, आई कैन सी, है ना, शी वॉन्ट्स टू परचेज अ गाउन एंड आफ्टर शी परचेज्ड इट, शी बाय इट, देन आफ्टर दैट ही इज सॉरी हर हर सेटिस्फैक्शन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इट, हर वॉन्ट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप इट, बिकॉज आफ्टर शी परचेज्ड अ गाउन आफ्टर दैट शी वॉन्ट्स टू परचेज अ लहंगा, आई कैन से, है ना। तो उसकी वॉन्ट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है कि उसने आज गाउन खरीदा तो कल लहंगा खरीदेगी, कल लहंगा खरीदा तो परसों जींस टॉप खरीदेगी, है ना। ऐसा करके कहते हैं ना, तो उस तरीके से हमारी लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी वॉन्ट्स सेटिस्फाई नहीं होती है। एक वॉन्ट सेटिस्फाई होती है तो दूसरी उसका प्लेस ले लेती है। आगे पढ़ते हैं, आर वॉन्ट्स इंक्रीज बिकॉज वी डिज़ायर टू लिव अ बेटर एंड कम्फर्टेबल लाइफ। हमारी वॉन्ट्स क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि हम बेटर लाइफ के बारे में सोचते हैं, वो उसको हम डिज़ायर करते हैं इस वजह से। एज न्यू गुड्स एंड सर्विसेज डेवलप्ड वी वॉन्ट देम, है ना। नए नए गुड्स और सर्विसेज डेवलप होती जाती है तो उसके लिए क्या हमें भी वो चीज़ चाहिए होती है फॉर बेटर लाइफ, आई कैन से वी वॉन्ट देम। वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाई बाई गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आर कॉल्ड रिसोर्सेज विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वॉट आर अनलिमिटेड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर स्कियर्स। इट मीन्स कि बहुत कम है हमारे पास, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कम हैं, लिमिट में हैं, बट हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। एज सुन एज वन वॉन्ट इज सेटिस्फाइड अनदर टेक इट्स प्लेस। सम ऑफ दीज वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड बाई मैन विद हीज लिमिटेड इनकम वाइल फॉर अदर्स ही मे नॉट बी एबल टू डू सो। इट इज देयर फोर नॉट पॉसिबल टू फुलफिल ऑल आर वॉन्ट्स थ्रू अ सिंगल वॉन्ट इज सेटिएबल। सो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी जो वॉन्ट्स है वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि एक वॉन्ट सेटिस्फाई होती है तो दूसरा उसकी प्लेस ले लेती है, है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स। हाँ, वॉन्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आने के भी बहुत चांसेस रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। फेमस इकोनॉमिक मार्शल हैज राइटली सेड दैट ह्यूमन वॉन्ट्स आर
countless in number and are varied in kind. As soon as one want is satisfied, another want take its place. अगर आपकी एक want satisfy होती है तो उसकी जगह दूसरी want उसका place ले लेती है. This endless circle of wants continues through our life. For example, a person who has never used a fan would wish to have a fan. When this want is satisfied, he would wish to get an air cooler and a scooter. Once these wants are satisfied, then he would wish to have a air conditioner, a car and so on. तो ऐसी उसकी क्या है, इच्छा बढ़ती चली जाएगी, उसकी wants बढ़ती चली जाएगी और वो कभी satisfied नहीं होने वाली है ना. तो उन्होंने ये एक example दिया है. Thus, we see wants never comes to an end. ये आप भी देख सकते हैं है ना, कि आप अगर इनका एग्जांपल तो ठीक है कि एक बंदा अगर फैन उसके पास नहीं है, अगर उसके पास फैन मिल जाता है देन ही वांट्स कूलर, ही वांट्स एयर कंडीशनर है ना, तो ऐसी उसकी वांट्स बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो वांट्स कभी एंड पे आती ही नहीं है. वहीं हमारी क्या है, इनकम, इट मीन्स आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. दूसरा देखते हैं, अ सिंगल वांट इज सैटिएबल. Each want taken separately can be satisfied. It has rightly been said that there is a limit to each particular want. For example, if a man is thirsty, he can satisfy his thirst by taking one or two or three glass of water. And after that, he does not want water at the point of time. है ना, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उसे वाटर नहीं चाहिए होगा, बट अगेन व्हेन ही फील्स थर्स्टी देन ही विल अगेन वांट वाटर. तो ये बात है. आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, सम वांट्स अराइज अगेन एंड अगेन. कुछ वांट्स अगेन एंड अगेन अराइज होती है, लाइक मोस्ट वांट्स रिकर. इफ दे आर सेटिस्फाइड वंस, दे अराइज अगेन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. वी ईट फूड एंड हंगर इज सेटिस्फाइड, बट आफ्टर अ फ्यू आवर्स वी अगेन फील हंगरी एंड वी हैव टू सेटिस्फाई आवर हंगर अगेन विद फूड. देयरफॉर हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा आर सच वॉन्ट्स विच अकर्स अगेन एंड अगेन. कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, विच टाइप ऑफ वॉन्ट्स इज अराइजिंग अगेन अगेन. तो यू कैन से दैट इज आर हंगर और थर्स्टी है ना. वेन वी वॉन्ट फूड so we eat it, but after some time फिर हमें दोबारा खाना चाहिए होता है ना. तो वही बात बोली गई है. नेक्स्ट देखते हैं, वेरिंग नेचर ऑफ वॉन्ट्स. वॉन्ट्स वेरी with time, place and person. They are also influenced by many factors like income, custom, fashion, advertisement, etc. For example, we want medicine only when we are sick. Ice is needed in summer season only. We need woolens even in summer at a place like Srinagar. Similarly, people have started using things like TV sets, mobile phones, cars and many other luxury goods due to increase in their income and change in fashion. Thus, wants have been found to vary and to multiply with the economic development of a country. तो ये क्या दर्शाती है, हमारी इकोनॉमिक के ग्रोथ को भी दर्शाती है कि काफ़ियों की जो wants है वो बढ़ती जाती है. देन दे यूज दिस और एज हेयर इट राइट, आइस इज नीडेड इन समर ओनली. तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत कुछ टाइम पे ही होती है. आगे पढ़ते हैं, प्रेजेंट wants आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्यूचर wants है ना. जो हमारी प्रेजेंट में हमारी जो वांट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर वांट्स. प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. अ पर्सन यूजेस मोस्ट ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेजेंट वांट्स. ही डज नॉट वरी मच अबाउट हिज फ्यूचर वांट्स बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड लेस अर्जेंट. फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, द प्रेजेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोवाइडिंग फॉर ओल्ड एज सिक्योरिटी इन फ्यूचर है ना. क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ओल्ड एज में रहना ना दैट इज़ अनसर्टेन ना, कि इंसान रहे ना रहे दैट इज़ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसलिए कहा गया कि जो प्रेजेंट वॉन्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू फ्यूचर वॉन्ट्स. नेक्स्ट पढ़ते हैं, वॉन्ट्स चेंज एंड एक्सपेंड विद डेवलपमेंट. अ सिंपल एग्जाम्पल टू शो हाउ वॉन्ट्स आर चेंजिंग इज द टेलीफोन. Earlier in the rural areas there were not many telephones, but today telephones has become a necessity for everybody for keeping in touch with their near and dear ones. People using telephone earlier are known
आर नाउ यूजिंग मोबाइल फोन्स, दे वॉन्ट्स मोर एंड मोर फैसिलिटी इन देयर मोबाइल फोन्स सच एज कैमरा, इंटरनेट एंड सो ऑन. सो आज के डेट में क्या होता है कि हर घर में फ़ोन आपको मिल ही जाएगा. इट डज नॉट मीन कि एक ही घर में एक ही फ़ोन होगा. यू नो, इफ़ इन अ हाउस देयर आर फोर और फाइव मेम्बर्स, सो ऑल फोर और फाइव मेम्बर्स हैविंग अ फ़ोन, यू नो, बिकॉज दिस इज़ अ नेसेसिटीज इन टूडेज वर्ल्ड, वी कैन से. बट एक टाइम होता था जहाँ पे हमें क्या होता था कि कुछ लोग होते हैं उनके पास वो जो कहते हैं ना तार वाला फ़ोन हुआ करता था, उसमें पैसे डालते थे तो बात होती थी, चिट्ठियाँ चलती थी. तो देट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ टॉकिंग और इन टच विद योर नियर एंड डियर्स इन पास्ट ईयर्स, वी कैन से 90s. बट नाउ द एवरीबडी हैव फोन एंड दे आर टच विद देयर लव्ड वंस. सो होप कि आपको ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे वॉन्ट्स के. आगे पढ़ते, जैसा कि आपको पता ही है, क्वेश्चन आंसर्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का क्योंकि हम इसे करने वाले हैं लास्ट पार्ट में, ठीक है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ रिसोर्सेज सेटिस्फाई वॉन्ट्स. रिसोर्सेज वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई करती है, वी हैव टू रीड दैट और वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, है ना. चलिए पढ़ते हैं. एज started earlier, wants are satisfied with the use of goods and services. To produce these goods and services, resources are used with ever growing wants. We have been making greater use of resources. Resources may be natural or man-made. All resources can be classified into land, labor, capital and entrepreneurship. For example, for the production of wheat, we use land, labor, ट्रैक्टर, पंप सेट एक्सेट्रा. कैपिटल वी कैन से फार्मर, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस वीट. ही ऑल्सो यूजेस सीड्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन दिस प्रोसेस. थस प्रोडक्शन ऑफ वीट इन्वॉल्व द यूज ऑफ रिसोर्सेज. Similarly, production of all other goods and services also involves the use of resources. Are the resources unlimited like our wants? The answer is no. Their resources that we use to satisfy our endless wants are limited, or we can say scarce. With the development, new goods are invented, which leads to increase in our wants, but the resources do not increase accordingly. This may lead to exhaust our resources. वही बात बोली गई है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती है. बट वही बात हो गई यहाँ पे एंड की, हमारा जो वो गोल्डन लाइन थी वी कैन से कि मेन पॉइंट की, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. सो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमारे वॉन्ट्स को मतलब कुछ हद तक तो रिसोर्सेज हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन देती है ना. बट कुछ रिसोर्सेज हमारे सभी को ही, हमारे सारी वॉन्ट्स को ही नहीं कर सकती. कि जैसे कि एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, कितने लोग चाहते क्या चाहते हैं, हमारे पास डोरेमोन वाला एनीवेयर डोर हो, कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ तुरंत पहुँच जाए, है ना. तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं, बट ऐसे कोई रिसोर्स नहीं है हमारे पास कि हम उसे पूरा कर सकें. तो कुछ वॉन्ट्स यूजलेस भी होते हैं, बट यस, काफ़ी हद तक रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास वो हमारी बहुत सारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती हैं. होप कि आपको समझ में आया होगा. चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं. यस, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स. कुछ वॉन्ट्स इकोनॉमिक होती है, कुछ नॉन इकोनॉमिक्स होती है, उसके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं. वी हैव सो फार लर्न दैट वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एज यू नो, मैनी ऑफ आर वॉन्ट्स आर सेटिस्फाइड बाई यूजिंग certain goods and services. These goods and services are purchased from the market by paying a price. The wants that can be satisfied by such goods and services are called economic wants. देखिए यहाँ पे highlight भी किया होगा, but मैं भी फिर से underline कर दे. The wants that can be satisfied by such goods and services are called economic wants. Can be satisfied by such goods and services are called economic wants. जो market में we can say कि जो goods हम लेते हैं, services लेते हैं, अगर आपसे उस आपकी wants उससे satisfy होती है तो उसको हम economics wants बोल सकते हैं. Next पढ़ते हैं, a few things that we want are not purchased from the market by paying
अ प्राइज सच वॉन्ट्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, जिसके लिए कोई प्राइज पे नहीं करना होता, यू हैव टू जस्ट वो सब हमारे लिए क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, फॉर एग्जांपल वी वांट एयर टू ब्रेथ, हमारे पास हवा चाहिए सांस लेने के लिए, तो वो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वांट नहीं है। रेन चाहिए वाटर वाटर के लिए, वो भी इकोनॉमिक वांट नहीं है, दैट इज़ इन कैटेगरी ऑफ नॉन इकोनॉमिक्स। फॉर एग्रीकल्चर व्हेन वी वांट अ मेड टू कुक, इट इज़ आर इकोनॉमिक वांट, बट इफ़ द फूड इज कुक्ड बाय मदर इट्स बिकम नॉन इकोनॉमिक वांट। देखना यहाँ पे बहुत बारीक पॉइंट बोला गया है कि अगर आप एक मेड रखते हैं तो वो क्या है, उसको आपको क्यों कि इनकम देनी पड़ेगी, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, विजिट्स देने पड़ेंगे, सो फॉर दैट शी विल बिकम, और वी कैन से दैट वांट्स आर बिकम, कि कोई हमारे लिए खाना बनाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक वांट हो जाएगा। बट उसकी जगह हमारी मदर खाना बनाए तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि हमारी मदर बनाती है ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ, और क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे लास्ट पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय, होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एज यूजल, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।